हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। यार यार, ये मूवी जो हम देख रहे हैं अनिल कपूर की, भाई पता नहीं यार इसमें क्या हो रहा है। एक माँ को इन लोगों ने मतलब बदनाम करके रख दिया है। उस औरत को माँ का रूप देना ही नहीं चाहिए था, वो वैसे ही कोई काम वाली का उसको रोल देते ना तब अच्छा था। बस क्या कह सकते हैं, लेकिन मूवी ज़बरदस्त है भाई, बड़े इसमें लेसन है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तेरा विश्वास पक्का है? तो मेरा विश्वास भी अटूट है। अब हम दोनों के बीच में यही साबित होना है ना कि इस दूध में जहर है या नहीं। तो इसमें मां को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही पीकर साबित कर देता हूं। मैं डॉक्टर के पास जाना, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बाबूजी, बाबूजी! अरे वो नागिन, पौधे के दूध में जहर मिला हुआ है, नहीं तो मेरा राजू नहीं बचेगा। अरे वो हत्यारन चुपचाप के खड़ी है, पौधे के दूध में जहर मिला हुआ है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मार डालूंगा तुझे। देखा मां तुमने, तुम पर शक करती है, डॉक्टर को बुलाने गई, बुलाने दो उसे, उससे भी सच्चाई का पता चल जाएगा। तुमने मुझे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है और वो मुझे ऐसी मां के खिलाफ भड़का रही थी। उसने तुझे हत्यारन कहा है, वो कहती है तूने दूध में जहर मिलाया। अरे वो अभागन ये नहीं जानती कि मां की ममता जहर को भी दूध बना देती है। मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया। इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है, बोलता है, लेकिन मैंने माँ के अलावा और कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जाना। बोलो माँ, फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने बस इतना कह दिया होता, देख राजू, मुझे तेरी सारी जायदाद चाहिए, क्या अंगूठा लगा दे, तुम्हारी कसम मां, मैं अंगूठा काट कर दे देता। अगर तुम कहती तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख देता। फिर तुमने ये सब क्यों किया मां? बोलो मां, ये सब क्यों किया? मां, तेरे इस अभागी बेटी की आखिरी ख्वाहिश है, उसे जरूर पूरी कर देना मां। औरतों का शमशान में जाना मना है, लेकिन तुम मेरे लिए जरूर आना, और मेरी चिता जलने से पहले मुझे एक बार सच्चे दिल से बेटा कहकर पुकारना, ताकि मैं शांति से मर सकूं। बस मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं मां। Thank you.
घबराने की कोई बात नहीं है बहू, हमने तुम्हारे पति को कमरे में बंद कर रखा है और उसकी चाबी हमारे पास है। अच्छा हुआ तुम डॉक्टर साहब को यहाँ ले आई, बेचारा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, पर उसकी जान तो बचानी पड़ेगी ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, वसीयत के कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे। कमीनो, जिंदगी भर तुम मेरे राजू को नोच नोच कर खाते रहे और आज उसकी मौत का भी सौदा करना चाहते हो। अरे जानवर भी इतने बेरहम नहीं होते, तुम्हें दौलत ही चाहिए ना, ले लो, बताओ कहाँ करने हैं दस्तखत। रमेश, तुम इन कागजों पर दस्तखत नहीं करोगी। दरवाजा खोल दो बहू। क्या तू पागल हो गई है माँ? छोड़ मुझे। चोर बदमाशों का भी ईमान होता है, वो भी भगवान से डरते हैं, लेकिन हम लोग इतना नीचे गिर गए कि उस भोले भाले राजू की जान लेने पे तुल गए, जो जिंदगी पर भगवान की नहीं मुझ जैसी डायन की पूजा करता रहा। लेकिन आज अगर हम उसे बचा लें तो हो सकता है हमारे पाप धुल जाए, हो सकता है भगवान हमें माफ कर दे। लेकिन आज अगर वो मर गया तो ये सिर्फ राजू की हत्या नहीं होगी, ये हर माँ की हत्या होगी, माँ शब्द की पवित्रता की हत्या होगी, और हत्यारण होंगी मैं, एक माँ। क्या बात कर रही हो बहना, ये अचानक राजू के लिए तुम्हारे मन में ममता कहां से जाग उठी? अरे जिस दौलत को पाने के लिए हमने 15 साल तक झग मारी उसे ऐसे ही लुटा देंगे? अरे कम से कम अपने सगे बेटे के बारे में तो सोच। कैकेयी ने तो अपने भरत के लिए राम को सिर्फ 14 साल का वनवास ही दिया था, लेकिन मैंने भरत के लिए अपने राम को मौत दे दी। रमेश, अगर तेरे दिल में अपनी माँ के लिए जरा सा भी प्यार और आदर है तो दे दे मुझे चाबियाँ। पहले मुझे वसीयत के कागज दो, फिर मैं चाबी दूंगा। देख बेटा, चलो। ये वसीयत के कागज मुझे दे दे माँ, वरना मैं अपनी माँ से इस तरह बात करते हैं। शाबाश बेटा, अच्छा किया, बहुत अच्छा सिला दिया अपनी माँ के दूध का, लेकिन इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है रमेश। अरे ये तो भगवान की लाठी है जो आज थप्पड़ बनकर मेरे गाल पर पड़ी है, साबित कर दिया तूने आज कि मुझ जैसी नागिन की कोख से तुझ जैसा सपोला ही पैदा हो सकता है, मेरे राजू जैसा बेटा नहीं। लेकिन इतना याद रखना, तू चाहे मेरी जान ले ले, मैं ये कागज तुझे नहीं दूंगी। इसी तरह ये कागज मुझे दे दे माँ, वरना मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये औरत पागल हो गई है रमेश, फौरन इसे कागज छीन ले। ये कागज मुझे दे दे माँ। राजू, 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 राज
बाबूजी, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि संतान का कर्तव्य है कि बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा करे, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मैंने जमीन जायदाद माँ के नाम कर दी है। मेरी माँ का ख्याल रखना बाबूजी। चलो शुरू। माँ ये क्या कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ, जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन अपनी माँ को छोड़ के बच जा बेटा। ये जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा, मेरा राजू चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा राजू बेटा चाहिए। यार लास्ट में चलो ये खुशी की बात हो गई, माँ सुधर तो गई, उसको एहसास हुआ। बाकी आज यार ये बड़ा इमोशनल कर दिया यार। ये नसीब मूवी भी देखी थी, लेकिन आज ये जो हमने अपनी आंखों के सामने दिखा ना, मूवी थी लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मतलब जायदाद के लिए इंसान इतना मतलब गिर जाता है ना कि रिश्ते नाते ही भूल जाता है, एक बेटा माँ बाप कुछ भी नहीं उसको दिखता। और उसकी माँ का जो सगा बेटा है रमेश, वो अपनी माँ को थप्पड़ मार रहा है, भाई हमसे तो देखा ही नहीं जा रहा था यार, वो तो तेरी सगी माँ है, तेरे लिए सब कुछ कर रही थी और तू ही अपनी माँ को थप्पड़ मार रहा है और उसको ऐसे पकड़ रहा है, गुंडे लेकर आ गया। और शकुनी मामा मामाश्री वो तो कमीना देख कर ही भाग गया और गुंडों को लेकर आ गया और वो भी उसके साथ शामिल हो गया। भाई बड़ा यार आज हमने ये सीन देख लिया, हमें बहुत इससे सबक मिलता है। ये तो मतलब रियलिटी है भाई, आज के दौर में भी इस तरह के वाक्यात होते हैं और इन लोगों ने मूवी के थ्रू हमें ये मैसेज दिया, तो बहुत अच्छा लगा इस मूवी को देखकर। उसका जो सगा बेटा था रमेश, वही सांप निकला, वही अपनी माँ को तमाचे मार रहा था, फिर भी माँ जी ने फिर राजू को पुकारा इतनी आवाज़ से तो राजू उठा, फिर दुश्मनों को मारा, फिर भी वो घर छोड़ कर जा रहा था। यार ये जो रियलिटी है ना बिल्कुल असली है, जो सच्ची कहानी है बिल्कुल, आज जो लास्ट में जीत होगी वो माँ की जीत होगी। क्या इंडिया वालों ने मूवी बनाई है, गजब की भाई, लाजवाब। यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा लास्ट में, हमने देखा राजू भी भाई खुश हो गया, उसने भाई सच्ची दिल से उसको कबूल कर दिया उसकी माँ ने, बाकी माँ भी सुधर गई, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। पर यार मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था जब ये इसकी माँ ने भाई तब भी उसको नहीं लेके जा रही थी, उसको बंद कर लिया भाई, ताला लगा लिया कमरे में, वो जहर से मर रहा था बेचारा। पर इसकी माँ ने, मुझे बड़ा अफसोस है इसकी माँ पर, ये लास्ट में जो अच्छाई दिखाई ना, मुझे इस पर भरोसा नहीं है भाई, जो मुझे वो पहले दिखाई ना वो मुझे बड़ी उससे खौफ हो रहा था, क्या ये माँ जी है भाई, इतनी खौफनाक इतनी डरावनी। अफसोस हुआ यार उसकी माँ ने, यार इतना बुरा काम किया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। पर ये जो लास्ट में आकर उसके पाँव पड़ रही है ना, मुझे ये समझ में नहीं आया। बाकी यार ये इसकी माँ ने इतना बुरा करेक्टर किया है ना भाई, मुझे इसकी माँ से खौफ हो रहा है। बाकी अनिल कपूर जी ने भाई, हम जितना भी ये बात कर रहा था जब तक हमें बड़ा अच्छा लग रहा था भाई, अनिल कपूर जैसा बेटा होना चाहिए हर किसी के पास। बाकी ये मूवी बेस्ट थी भाई, पूरा मज़ा आ गया इस मूवी में लास्ट में। माँ को भी तब एहसास हुआ ना जब उसको पता चला कि मेरा सगा बेटा ही मेरा नहीं है, जिसको मैंने इतना कुछ प्यार दिया, उसके लिए ये सब कर रही थी 15 साल से, आज उसी ने ही मुझे तमाचा मारा, मुझे मार रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, और जिसको मैंने अब मतलब बेटे का प्यार ही नहीं दिया, सौतेला रखा, वही मेरे लिए मौत के मुँह से भी निकल कर मेरी हिफाजत करने के लिए आ गया। तो यही तो होता है ना बेटा भाई, तो मज़ा आ गया भाई पूरी मूवी में। मतलब कॉमेडी भी थी, एक्शन भी था, मतलब रोमांस भी था, और लास्ट में जो इमोशनल इन्होंने जो सीन्स दिखाया ना, तो बड़ा यार अच्छा लगा ये पूरी मूवी देखकर। और हमें तो ऐसा मतलब फील ही नहीं आ रहा था कि कोई हमारे सामने मूवी चल रही है, हमें रियल सब कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ होता है भाई दुनिया में। तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।